माननीय सभापति जी, विश्व की सबसे बड़े इकोनॉमी का, बढ़ती हुई इकोनॉमी का नागरिक होने का अपने आप पे गौरव महसूस करते हुए कि जिस तरह भारत, जिस तरह देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव जी लेकर आए, और पक्ष के लोग शायद भूल गए उनको, नरसिम्हा राव जी का नाम लेते इन्हें शर्म आती है, पर वो व्यक्ति जो देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, उन रिफॉर्म्स को आगे वाजपेयी जी लेकर गए और अब मोदी जी लेकर जा रहे हैं, और उसी का असर है कि हम देख रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साकार होते हुए। कोविशील्ड, कोविड वैक्सीन जो भारत ने प्रोड्यूस करी, पूरे विश्व ने उसका लोहा माना, और जो कोविड काल में भारत ने विश्व की मदद करी, कितने देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट करी और एक वर्ल्ड हब के रूप में, वैक्सीन के रूप में भारत बना, और उस बात को जब हम सोचते हैं तो दुख भी होता है कि हमारे कांग्रेस के साथी कुछ जब देश में वैक्सीन बन रही थी तो जयराम रमेश जैसे व्यक्ति बोले कि मुझे इन वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। ये इनकी सदा की शैली रही है कि देश के नागरिक जो काम करते हैं उस पर अविश्वास जताना, उनका मनोबल तोड़ना, उनका हौसला बढ़ाना। ये गरीब का नाम देकर नारे देते रहे, और ऐसी इनकी सोच है कि भारत आगे नहीं बढ़े। इनको पता है भारत आगे बढ़ जाएगा तो हम सत्ता पे शासन कैसे करेंगे। तो ये चाहते हैं देश गरीब रहे, ना देश आगे बढ़े। उसी मानसिकता से हम देख रहे हैं कि कुछ इन्हीं के नेता अभी कुछ दिन पूर्व तिरुवनंतपुरम गए, और वहाँ पर वो भाषण में देते हैं कि मैं 15 साल उत्तर से एमपी रहा, पर अब मैं जो दक्षिण में आया हूँ ना, मुझे जो आनंद आ रहा है वो उत्तर में नहीं आया। क्या उत्तर के लोगों में वो बात नहीं जो दक्षिण में? अब बताओ, इस राष्ट्रीय पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं, और उत्तर पूर्व में जाते हैं तो वो कहते हैं पश्चिम के लोगों में वो बात नहीं है जो उत्तर पूर्व में बात है। क्या ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे पार्टी से, कि वो देश को आगे लेके जाएगी? और क्या मोदी जी जो बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बात है ऐसे नेता करते हैं? ये करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, तभी तो देखो मोदी जी विश्व लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और इनके कांग्रेस के नेता जो बात करते हैं, उनको आप ओबामा जी और उन्होंने जो बातें लिखी तो उनको कोई गंभीर ही नहीं लेता, वैसे इनकी खुद की पार्टी भी गंभीर नहीं लेती। और हम जब ये कोरोना काल की बात करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा बजट में कोरोना के ऊपर बात रखी, पर माननीय सभापति जी जब लीडर ही आगे कोरोना काल में बाहर नहीं निकले तो हम क्या बात करेंगे? लीडर वो जो आगे लीड करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक साल में कोरोना काल में बाहर नहीं गई, हर जगह हम बात कहते हैं तो कांग्रेस के साथी कहते हैं क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोले हैं? हमारे मोदी जी हर जगह गए, अमित शाह जी, नड्डा जी हर जगह गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर से बाहर नहीं गए, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री भी आज 2-2.5 साल होने आ रहे हैं सरकार को, बीकानेर हमने उन्हें नहीं देखा, जब मेडिकल कॉलेज उत्तर भारत का सबसे बड़ा है, कहीं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान लेने की इनकी रुचि नहीं रही। तब भी आप देखो कोरोना काल में ऑपरेशन और इलाज सारे रोक दिए गए, 10 महीने तक इलाज नहीं हुए, कितने लोग मारे गए, कितने मरीजों का ध्यान, तो गांव में जावा तो लोग कहे कि वो चाल तो रहे किया कि वो कोरोना हो, बेटा इलाज हो को नहीं, डॉक्टर देखता को नहीं, सरकार रोक लगाओ। और कई कहे भामाशाह योजना बंद कर दी, अब भामाशाह योजना सिर्फ राजनीतिक सोच के कारण आपने बंद करी, धिक्कार है ऐसे सरकार पर रहने का कि आदमी को इलाज के लिए आपने रोका सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कितना लोगों को 3-3 लाख का लाभ मिलता, मैं इस चिकित्सा सेवाओं से जुड़ा हुआ हूँ तो नजदीक से देखता हूँ लोगों के मन में जो दर्द है, और मैं सभापति जी महोदय जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं उन्हें कहूंगा जो दर्द आपने कोरोना काल में आमजन को दिया है ना, 2023 में जनता याद रखकर आपको उसका जवाब देगी उस कोरोना काल का। और जिस तरह आपने चिकित्सा में बात रखी, मैं अपने क्षेत्र की बात और रखूंगा एक, कि हमारे वहाँ टीएससी सीएचसी की बातें आज इसमें प्रश्न 10 में रखी गई है, कि मुख्यमंत्री जी जैसे पहले बोले प्रश्न 5 पर कि कहते हैं कि हमने 2 साल में जन घोषणा के आधे से अधिक वादों को पूरा किया। अब ये बजट था, बजट आया तो मैं अपने क्षेत्र में भी जा रहा था तो पढ़ा था कि मैंने कहा पढ़े, तो ये प्रश्न देखा तो लोग कई पढ़े, मैं हंसिया सारा कि अभी कैसे वादे पूरे हो गए आधे, क्या सड़क बनी नहीं लूणकरणसर में, कहीं एक ही, कहीं स्कूल नहीं खुला, कहीं भी जीएसएस कहीं नया बना नहीं, तो आधे वादे कहाँ के पूरे हो गए? तो मैंने कहा लूणकरणसर पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है पूरा चुनाव, तो यहाँ तो इसका बजट में नाम ही नहीं आया, डूंगरगढ़ के साथ एक नाम दिया बजट में, नाम तो जो निर्दलीय विधायक थे उनके क्षेत्रों का ही आया, और मेरे पास समीप में वही मेजर थपथपा रहे थे क्या उन्हीं को काम मिला। आगे हमारे गंगानगर से विधायक हैं, ये भी खुश हो रहे हैं, ये भी करें सही बात करें, क्योंकि उस दिन बजट वाले दिन कांग्रेस के साथियों के मेजर थपथपाई नहीं, थपथपाई मेजर तो निर्दलीयों का, उन्हें ही बजट में बजट मिला। तो राजस्थान में पीएससी सीएचसी सब सेंटर्स के आपने प्रश्न 10 पर मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सब सेंटर्स का निर्माण, अब हकीकत यह है पिछले 2.5 साल में सब सेंटर का कहीं निर्माण हो ही नहीं रहा,
और जहां पर एएनएम्स की पोस्टिंग थी हमारे शासन में, जब अधिकतर जगह एएनएम्स पोस्टेड थे, कांग्रेस की सरकार आई और ज्यादातर सीकर झुंझुनू यहाँ क्षेत्र में नर्सेज है, कई सब सेंटर पे तो दो दो वहां पे लेकर कोर्ट से स्टे दिलाकर सरकार से मिलकर वहां पर दो दो तीन तीन नर्से काम कर रही है एएनएम। और हमारे मरुस्थल क्षेत्र लूणकरण सर बीकानेर में वहां सारे के सारे अधिकतर जगह स्थान पर सब सेंटर की पोस्ट खाली है। नई बिल्डिंग का निर्माण का कहीं आप घोषणा कर नहीं रहे। बीकानेर हमारे मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा है, सुपर स्पेशलिटी सेंटर के बारे में कहीं कोई घोषणा नहीं की। वैसे तो हमारा बीकानेर का बड़ा दुर्भाग्य रहा है, एक समय बीकानेर 80 के दशक में राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर था, विकास में आगे था, पर क्या कहें 80 के बाद सब शहर आगे बढ़ गए पर बीकानेर हमारा आज भी पीछे है। और जब हम देखते हैं कि इस कैबिनेट में दूसरे नंबर पर प्रोटोकॉल में बीकानेर के मंत्री जी का नाम आता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ काम बीकानेर में ऐतिहासिक होंगे, पर जब इस बजट को देखते हैं तो हमें वही लगता है कि बीकानेर फिर पीछे रहेगा। हम उम्मीद करते हैं मंत्री जी बीकानेर से आने वाले कि बीकानेर शहर, बीकानेर जिले के लिए, बीकानेर संभाग के लिए कुछ मुख्यमंत्री जी से लेकर आएंगे, पर इस बजट में कुछ नहीं मिला। चिकित्सा का हाल मेरे क्षेत्र में पिछले दो साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब चुनाव आए उसमें पूर्ण हुआ काम। गुसाई सर, गारबदे सर, खियरा, अर्जुन सर और कतरिया सर, 1,80,00,000 की शानदार पीएचसी की बिल्डिंग बनी हुई है। दो साल हो गए पर अभी तक उसमें कार्य शुरू नहीं हुआ। मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी आए, उनके आगे का इनको शुरू करो, क्या करेंगे वो, क्या शिलालेख लगाने के लिए हम ढूंढ रहे हैं कौन हमारा समय निकाल पाए। आज वहां पर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे पर दो है, एक्सीडेंट होते हैं काम आए। अब तो हमें लगता है माननीय सभापति जी इस सरकार के भरोसे तो 3 साल और निकाल देंगे, जनता को ताली तोड़ने पड़ेंगे तभी लोगों को इलाज मिलेगा। और स्कूलों की बात, शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, शिक्षा मंत्री से कहूँगा कि आज राजस्थान सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं आईएएस लड़के लड़के यहाँ से निकल रहे हैं, अधिकारी सेंट्रल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में निकल रहे हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण 2003 से 2008 जब वसुंधरा जी ने गांव में 10वीं की स्कूलें खोली पंचायत में, और जब 2013 से 18 आए तो 12वीं की स्कूलें खोली। शिक्षा मंत्री जी, नई पंचायतें तो आपने बनाई पर गांव में जाते हैं लोग कहते हैं नई पंचायत बनाई, इस बजट में घोषणा करी क्या स्कूलों की? मैंने कहा स्कूलों की घोषणा तो वसुंधरा जी और हमारी बीजेपी सरकार ही कर सकती है, सरकार के भरोसे तो नई स्कूलें नहीं होएगी। और वही बात हुई, नई स्कूलें आपने इस बजट में कहीं भी नहीं खोली, ग्राम पंचायतें खोल दी। गाँव में बात करते हैं कि नई ग्राम पंचायत का अर्थ है वहाँ पर स्कूल अवश्य खुलेगी, पर यह तो भावना बीजेपी की है, कांग्रेस की ये भावना ना है ना रहेगी। और माननीय मंत्री जी, एक मैं आपके आगे एक और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं कि हमारे वहाँ अभी सत्र चल रहा है बजट का, पर 2 साल पूर्व रमसा से और जो स्कूलों में भवन का निर्माण हुआ उसके उद्घाटन हो रहे हैं वहाँ पर अभी बजट सत्र में, और उद्घाटन आप ही के नेता कर रहे हैं, वो गाड़ी भरी हुई है, उनके शिलालेख ले रहे हैं और लगा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, भाई ये तो बीजेपी के राज में बना, आप कैसे शिलालेख लगा रहे हो? तो वो कहें, भाई आके मारो राज तो हमने कौन ही ला रहे, 21 आए और कम आसी शिलालेख तो लगा लो, काम तो मेकर से कौन ही की ना थी। तो ये बात, आपका विश्वास उनका है। और हाउसिंग पे प्रश्न 54 पर आपने मुख्यमंत्री जी ने बात रखी कि हाउसिंग बोर्ड में निर्माण का कार्य आपने राजस्थान में बहुत जगह रखा। अब हमारे बीकानेर से आने वाले कैबिनेट में 2 नंबर मंत्री, हमें उम्मीद थी कि वो बीकानेर के लिए शिवाड़ी आवास योजना, जहाँ लगभग 13,000 आवासों का निर्माण की, काफ़ी समय से प्रोजेक्ट लंबित है, तो उसकी जरूर घोषणा होगी, पर मेरे को लगता है कैबिनेट में वो सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, बीकानेर के लिए कुछ लेके नहीं आ पाए। शिवाड़ी आवासीय योजना का नाम फिर नहीं आया। बीकानेर की जनता उम्मीद कर रही है इतने लंबे समय से, कब भूमि अवाप सरकार ने 12-13 साल पहले करी, पर वो हाउसिंग बोर्ड में कॉलोनी कब आएगी? वेटनरी का प्रश्न 33 पर आपने बात रखा कि नए पशु चिकित्सा के केंद्रों की घोषणा, अब 200 पशु उपकेंद्र व 198 पशु अस्पतालों को आप कह रहे हो कि क्रमोन्नत करेंगे, कहाँ से करोगे? डॉक्टर तो आप ले ही नहीं रहे, पोस्ट तो आप क्रिएट ही नहीं कर रहे, जहाँ हमारे वहाँ वेटनरी डॉक्टर्स की पोस्ट है सारे खाली पड़े, और हमारा लूणकरण सर क्षेत्र राठी गायों के लिए प्रसिद्ध पूरे भारत में, वहाँ हम डॉक्टर्स का कह कह के थक गए, पर वो कह साहब डॉक्टर है ही कौन, नियुक्ति कर ही नहीं रही। साहब 2 मिनट साहब प्लीज। और सड़कों की बात, अब सड़क बीकानेर शहर में सड़कों का ये हाल है कि हमारा सबसे मुख्य मार्ग बीकानेर में, जिसमें मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अखबार में आलेख लिखा, उन्होंने 60 के दशक में, जगजीत सिंह जी बीकानेर रहते, 2005-07 के आसपास उन्होंने लिखा कि बीकानेर शहर आज भी 2 भाग में बंटा हुआ है रेलवे लाइन की वजह से। और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि रेलवे बाईपास बनाओ वहाँ से 600 करोड़ का, अरे साहब 2 करोड़ का अंडरब्रिज ही बना दो, सांकला फाटक कोर्ट गेट पर
कैसा पानी आएगा, अरे मेट्रो खुल गई 100-100 फीट में नीचे, तकनीक दुनिया आगे बढ़ गई, प्रवासी में चुनाव लड़े से तब से वही भावना लेके चल रहे हैं कि 80 चल रहे हैं, 2020 चल रहा है, समय बदल चुका है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे वो सड़क बने और अम्बेडकर सर्किल पे जो रेलवे अंडरब्रिज का मांग है वो करा जाए। बस अंत में एक ही बात कहते हैं और एक ही मानना चाहिए, मैं एक बात कानून व्यवस्था की ये बात कहूंगा। नारायण जी एक मिनट, नारायण जी एक मिनट, सभापति महोदय खड़ा गया, सभापति महोदय शहर के बोयल गांव में बजट सत्र की नरसंहार हत्या कर दी, 2021 जो है सड़क पे रखे इसका बोलने का मौका दिया।